सॉरी गाइस, तो ये खाटू श्याम जी का 36 धाम है, 36वां का ये लास्ट का 36वां धाम है। हेलो गाइस, वेलकम टू लवली ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ घूमने मम्मी और प्रीति के साथ, खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं। और ये देखिए हम लोग पूरा रेडी हो रहे हैं और ये मेरे को प्रीति ने दिया है। आप लोग बताइए क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, भी रहा है सूट में। हाँ, और इसका इयररिंग मैंने पहन लिया इयररिंग बालों के साथ तो वैसे भी दिखता नहीं, खुले बाल तो रहते हैं। तो मम्मी उधर रेडी है पूरी और कब से चिल्ला रही है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हम लोग थोड़ा लेट कर रहे हैं, थोड़ा आलस के चक्कर से लेट हो गए हम लोग। तो फटाफट अब रेडी होते हैं और निकलते हैं हम मंदिर के लिए। तो गाइस हम अब निकल रहे हैं घर से मंदिर के लिए, खाटू श्याम जी मंदिर के लिए। सबके सब चप्पल पहन रहे हैं और मैं आपको थोड़ा सा घर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा डाइनिंग एरिया है। बाकी आपको किसी और दिन मैं अपना पूरा होम टूर दूंगी। और ये देखिए, इसको लग रहा है ना मुंह खोल रहा है, लग रहा है कि कुछ खाने को मिल रहा है। देख देख कैसे मुंह खोल रहा है, देख काटे हाँ, इसको बाहर निकल के काटना है। और एक गोल्ड फिश भी है, देख कैसे मुंह खोल रहा है चलते फटाफट, बहुत लेट हो गया, दोपहर हो गया है, धूप भी निकल जाएगा। तो गाइस हम निकल चुके हैं और सबके सब गाड़ी में बैठ चुके हैं। कोई दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा गाड़ी में बैठ चुके हैं। भयंकर वाला ट्रैफिक लगा हुआ है और ऊपर से मेट्रो जा रही है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा दिल्ली मेट्रो। और पता नहीं होगा, पता नहीं कब ये ट्रैफिक क्लियर होगा और हम जा पाएंगे। वह 12 बज चुके हैं और पता नहीं कब जाएंगे और कब वापस आएंगे। देखते हैं ट्रैफिक कब क्लियर होता है। गाइस हम लोग पहुंच गए खाटू श्याम मंदिर। ये यहाँ से है एंट्री, इधर से है एंट्री, इधर। अच्छा इधर वाला तो बंद कर रखा है ना, इधर वाला बंद हो गया, आगे से चलेंगे ना। नहीं उधर से रास्ता। अच्छा अच्छा, और सुबह सुबह मौसम इतना अच्छा कर दिया था और अभी इतनी तेज धूप है, पता नहीं पूरा कैसे घूम पाएंगे हम लोग। बहुत भयंकर वाला धूप हुआ पड़ा है। जय गाइस हम मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं और ये देखिए, ये देखिए खाटू महाराज का कितना बड़ा चरण पादुका है, कितना बड़ा पैर। तो लोग सॉरी गाइस, तो ये खाटू श्याम जी का 36 धाम है, 36वां का ये लास्ट का 36वां धाम है। ये खाटू श्याम जी के 36 धाम है, उसमें से जो 36वां धाम है वो ये वाला है जहाँ हम लोग आए हुए हैं, वो चरण पादुका है 36 धाम का। एक तो वहाँ पे राजस्थान में है और ये दिल्ली वाला खाटू श्याम महाराज है। बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, ये है रास्ता। जब भीड़ होता होगा तब तो बहुत गजब का लगता होगा देखने में, और आज तो उतना कुछ खास भीड़ है नहीं। और हमारे लिए अच्छा है कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, और धूप की वजह से, ज़्यादा भीड़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती, तो हम जल्दी जल्दी दर्शन करके चले ही जाएंगे। और खाली खाली मिलेगा तो दर्शन करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो गाइस धूप है और ये देखिए बहुत लंबी अंदर तक लाइन लगी। भयंकर वाला धूप हो रहा है, पूरा हालत खराब हो रही है। अब बहुत अंदर है क्या अभी? और खड़ा की
चप्पल। गाइस लाइन पे लाइन और तपती हुई कड़क सी धूप, चुलचुलाती हुई गर्मी और इतनी लंबी लाइन, पर मजा बहुत आ रहा है सीरियसली। ये देखिए गाइस, यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ घंटियाँ बजा रहा है, लंबी लाइन। फाइनली हम छाव के अंदर आ चुके हैं, ये देखिए छाव के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ से घूम के लाइन अंदर जाएगी। और यहाँ पे लोगों ने ना मन्नत मन्नत के नारियल बांध रखे हैं, देखिए कैसे सबने मन्नत के नारियल बांध रखे हैं, और ऐसे घूम के वो मेन मंदिर है, देखिए लोग वहाँ पे कुछ कर रहे हैं। मैं भी जाके आपको दिखाती हूँ। मन्नत का धागा, मन्नत का नारियल, आपको जो मन्नत मांगना है यहाँ पे बांधते हैं लोग। देखिए ये देखिए गाइस, ये है पूरा शक्तिपीठ खाटू श्याम बाबा का। यहाँ लोग स्वास्तिक बना के अपनी इच्छा जो भी है मांग रहे, पूजा कर रहे हैं, चावल छीट रहे हैं, स्वास्तिक यहाँ पे पूरे मन्नत के नारियल और धागे बंधे हुए हैं। हम पसीना पसीना हो गए हैं पूरा। हमारे दर्शन ना बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, पूरा मज़ा आ गया। और ये देखिए लोगों ने ना कुछ मन्नत के पत्थर बना के रख रखे, बहुत सारे घर बना के अपने मन्नत के। ये हर जगह जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल होते हैं ना, वहाँ ये मैंने हमेशा ही देखा ये बना हुआ रहता है। बहुत ज़्यादा आया दर्शन करके, मज़ा और मज़ा। अब देखते हैं ये आसपास और क्या है घूमने लायक, पूरा देखते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे घंटियाँ हैं, सब घंटी बजा रहे हैं। और ये माता रानी का मंदिर है, और ऊपर त्रिदेव का, देखिए शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, और यह माता रानी का पालकी सजा हुआ, दुर्गा माता का, बहुत अच्छा है। देखिए गाइस, यहाँ पे गोवर्धन पर्वत बना रखा है, कितना सुंदर अमेजिंग बना रखा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और अभी तो पूरा दोपहर है, दोपहर को 2 बजे, धूप है तो फिर थोड़ा सा फील नहीं आ रहा, और शाम जैसे वो ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हमारा पूजा वूजा पूरा दर्शन हो चुका, पूरा हमने कर लिया है। और अब यहाँ पे हर जगह ऐसे खाने के स्टॉल्स लगे हुए, जो आपको पसंद है वो खाइए, जो आपको लेना हो, गोलगप्पे, चाट, भटूरे, थालियाँ हर तरह के लगे हुए हैं। और मम्मी का तो गोलगप्पे खाने का मन किया, तो हम तो खा रहे अभी गोलगप्पे, और प्रीति और बाकी सब उधर छोले भटूरे लेंगे, तो अभी हम उनके पास भी जाते हैं, अपना गोलगप्पा खा लेते फिर जाते हैं उनके पास। हमने तो गोलगप्पे खा लिए, और ये इन लोगों का चल रहा है छोले भटूरे, छोले भटूरे चल रहा है, और हम खा के अब निकलते हैं घर के, और क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, शाम हो गया है, तो फटाफट खा पी लेंगे ये लोग, फिर हम निकलेंगे घर। तो गाइस, हम घर पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी ना, धूप से थकान हो गई। वैसे तो दर्शन करने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं, पर धूप से बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं रखते हैं, मैं अभी ठंडा ठंडा पानी पी के और चेंज करके मैं सोऊंगी, आराम करूंगी थोड़ी देर। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपनों का ख्याल करें, अपनों का ख्याल रखें, अपनों से प्यार करें, और हमारे वीडियो को बहुत सारा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।